हंस क्यों रहे हो अदनान? तो भाई जान लिया देखे ये फेरिस व्हील है और उसके साथ बच्चों के झूले लगे हुए हैं। हसन भाई को लग रहा है आज डर झूले, उसने कोई भी नहीं खाना है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा झूले। जो इसकी प्राइस है वो है 150 रुपये पाओ। मैंने भाई को बोला अच्छा होना चाहिए टेस्ट, मैं कर रहा हूँ ट्राई पहली बार। ये भाई हमारा जो पीस है पाओ का वो गर्म हो रहा है। बड़ा स्टाल असलामुअलैकुम पब्लिक, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, बिल्कुल क्या सुन रहे हो फिर की रिपोर्ट होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला व्लॉग। तो भाई साहब आज सीन बनने वाला है अच्छा। आज जश्न बहारा 2024 है, शाम का टाइम है, लाइटिंग तो इस साइड पे लगी हुई है। तो बाकी अगर चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आज भाई हसनैन भाई आ गया हमारे व्लॉग में तकरीबन 15-10 दिन बाद आ गया है। हसनैन भाई पब्लिक को हाय कर दो यार। भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी इजी किसी जात विवाद में कभी नहीं घुसूंगा। मेरे तो भाई जान ये है एंट्रेंस गेट जो कि काफी खूबसूरत लगा हुआ है, रात का टाइम है, अंदर लाइटिंग कम। बाकी भाई साहब ये ट्रैक चेक करें, ट्रैक के आगे तकरीबन फूल वगैरह भी लगे हुए होंगे जश्न बहार के। आगे तकरीबन मेला वगैरह भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहना बिल्कुल। तो अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। बाकी भाईजान फुल सीन ऑन होने वाला है तो मेले के नज़दीक आ गया, काफ़ी सारा रश भी आपको दिखाते हैं, झूले वगैरह चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और यहाँ तो यार लाइट नहीं है लेकिन तकरीबन इधर लगे हुए हैं फूल जश्न बहार के। फैमिलीज वगैरह और तमाम यानी बच्चे बड़े छोटे बूढ़े सब आए हुए हैं। भाई साहब अंदर जाते ही यार मालूम हुआ रश तो काफ़ी कम है, बाहर से लग रहा था कि रश है। तो बाकी फैमिलीज वगैरह थी तो तकरीबन यार सारे टाइम पास के लिए यार वॉक कर रहे थे। और जश्न बहार की यार लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लाइट के फूल बंदा आपको दिखा सके। तो झूले वगैरह खा लेते हैं भाई जान। इस चीज़ से आपको मालूम हो रहा होगा कि यहाँ रश कितना है, देखे ये कुछ भी रश नहीं है और बाकी ये सारे ऐसे ही बैठे थे तकरीबन। तो भाई जान ये देखे ये फेरिस व्हील है और उसके साथ बच्चों के झूले लगे हुए हैं। हसन भाई को लग रहा है आज डर झूले, उसने कोई भी नहीं खाना है। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा झूले। तो बाकी यार वीडियो को एंड तक देखना है, मैंने झूले भी ट्राई करने हैं सारे। ये औरत टैटू वाली थी, टैटू लगा रही थी तो बाकी झूला भी चल गया। बाकी यार झूला चल कितना तेज रहा है, हसनैन भाई को ये देखते और सोचते हुए भी डर लग रहा है। और मैंने उसको बताया कि यार टेंशन नहीं लेनी, आपको सारे झूले ट्राई करने हैं। बाकी मिनते बहुत किए लेकिन माना बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे भी कह रहा था कि आपने भी ट्राई नहीं करना, ख्याल करना है। और यार फाइनली आपके भाई ने फेरिस व्हील की जो है वो टिकट ले ली है। मैंने कहा भाई मैं तो राइड लूँगा ही लूँगा, तो देखते जाएँ। तो मैंने हसनैन से आखिरी बार यार अभी भी नीचे खड़ा हूँ, आपकी टिकट अभी भी ले सकते हो, लेकिन उसका रिएक्शन था नो। मेरे को तो ऐसा दग दग हो रहा है। तो भाई साहब मैं तो बैठ गया फाइनली झूले पर और हसनैन मुझे देखे जा रहा था और हंस रहा था कि यार उतरो उतरो। मैंने कहा भाई नहीं नहीं। तो ये दो बच्चे आ गए लेकिन हसनैन नहीं आया बस। तो बाकी इन दो बच्चों की नियत चेंज होगी, इन्होंने यार जगह बदल डाली, मुझे छोड़ दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भाई जान झूला जो है इतनी तेज़ चल रहा था, मज़ा आ रहा था यार। बाकी हसनैन ने ये सीन तो मिस कर दिया, बाकी इसका मेले का आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि यार जश्न बहारा था फूल थे नहीं इतना, पता नहीं कौन सा बहारा था ये। मुझे इतना मज़ा आया यार झूले में, बहुत ही मज़ा आया। आप बैठे नहीं हो कोई बच्चा? बच्चों वाला झूला है ये बच्चों वाला झूला है। इतनी मिनते किए बंदा यार, इतनी मिनते आप समझ गए होंगे, उसको भी नहीं करता। तो मैंने इतनी मिनते इसको किए हसनैन को किए झूले खाने के लिए। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, उसने कहा बस मेरी जिद है नहीं खाने झूले, मैंने नहीं खाने। मैंने कहा चलो ठीक है यार, उसको अपनी जान प्यारी है। तो भाई साहब इधर यार कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इधर ये जनरेटर चल रहा है ना, इसका शोर काफ़ी है, बहुत शोर है इसका, इसलिए यार थोड़ी बहुत भाई इसका भी ख्याल करना पड़ेगा।
तो भाईजान स्टॉल पे जो आए यहाँ थे खिलौने वगैरह, तकरीबन बच्चों के सेल वाला जो माल होता नहीं है वही है। अगर मेरी ऑडियंस में से किसी को कुछ भी पसंद हो तो वो कमेंट में कर सकता है, बता सकता है अपनी विश पूरी, उसको मैं करूँगा, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको खाने की वैरायटी दिखाता हूँ, पकोड़े वगैरह, नान, पकोड़ा, चिप्स। तो भाई साहब ये क्या है? कतलम है भाई, इतना बड़ा है लाहौर की आइटम, ये कतलम है, पता नहीं 5-6 बंदों के लिए हो गया, ऐसे नहीं है। तो बाकी यार ये स्वीट्स हैं, ये पता नहीं कौन सी चीजें हैं, ये क्या है भाई जान? ये लाहौर का आइटम है, वो बरसे हैं ये। तो ये देखिए हलवा चेक करें भाई साहब, क्या रेट है यार जलेबी का? 150 रुपए पाव, यानी 600 रुपए किलो। हसनैन भाई खानी है जलेबी? तो कुछ कुछ मीठा हो जाए। तो भाई जान ये देखो पूरी कढ़ाई के अंदर ये कतलम्मा आ गया, बेसन होता है अंकल, और क्या होता है? भाभी का छोरा होता है। वाओ, वेरी डेंजरस। तो भाई जान हमने सोचा नई चीज है यार, ट्राई कर लेते, शायद अच्छी हो। बाकी यार टेस्ट अच्छा था यार, वो चटनी नहीं थी इसके पास। भाई जान मजा बहुत आया यार, रश वगैरह नहीं था। हसन भाई आपको तो मजा नहीं आया होगा, झूले आपने नहीं खाए, मजा आया है? वो क्या कहते हैं, मुर्गा भी का मजा आया है, वो जो खाई है अभी आपने, वो वाली मुर्गा भी नहीं कर रहा, ये खाने वाली कर रहा हूँ, मजा आया। तो बच्चे यहाँ पर यार चिड़ी और बल्ला खेल रहे हैं, मैंने कहा तो हसन खेलते हैं यार, खेलें, खेलने देंगे, कपल वगैरह बैठे हैं शायद खेलने दें। जा रहे हो किधर जा रहे हो भाई? आज के लिए इतना काफी है क्या? हैं? अल्लाह हाफिज। बस आज के लिए मैंने कहा इतना काफी है। तो भाई साहब मैंने हसनैन भाई को छोड़ दिया, तो मैं जा रहा हूँ अपने अंकल को, तो रास्ते में कुछ खा भी लेंगे, कुछ पी भी लेंगे। मैंने बस वहीं वहीं खाया है, बस क्या कहते हैं, तो मुर्गा भी बड़ा मतलब मैं खून का था, बस वहीं खाया है मैंने। तो बाकी यार अगर दिन के टाइम आता ना, दिन के टाइम पे फूल वगैरह तो आपको वो दिखाता, तकरीबन कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके लिए एक दो शॉर्ट्स वगैरह निकालूँ, तो आप शॉर्ट्स वगैरह देख लेना, फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, बेहतरीन। भाई साहब इस भाई के पास आए, ये आलू बुखारा का शरबत भी है बेहतरीन यार, फर्स्ट क्लास। ये भाई साहब की रेडी है जो कि हमारी एयर यूनिवर्सिटी के तकरीबन बिल्कुल सामने ठहरे हैं, ये सामने, ये ऊपर मेट्रो स्टेशन। भाई जान 70 रुपए का गिलास है, और इसमें जो आलू बुखारा ना वो चेक करें, इसी की वजह से मैं जूस पीता हूँ इस भाई का, और इस भाई की मेहरबानी है जो हमें इतना सारा आलू बुखारा डाल के देते हैं, बड़ी मेहरबानी भाई जान। तो भाई जान आ गए हैं हॉस्टल, तो आज का व्लॉग करते हैं इसी तरह से एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग करता मजा आया होगा, एंजॉय किया है। तो यार शाम का टाइम तक कुछ यार चीज़ें रह गई हैं जो कि पूरी कर नहीं सके, तो बाकी अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार पहले कर दो, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।